ट्रांसलेटर ही नहीं खत्म हो रहा, बोर्डिंग गेट ही नहीं आने को तैयार है अब तक। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल द चबी तेल। सो आज 6th of May है एंड अभी सुबह के 7:30 हो रहे हैं एंड आज का व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग समवेयर। सो आगे आपको वीडियो में पता चलेगा कि मैं कहाँ ट्रैवल करती हूँ एंड अभी सबसे पहले हम चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं, उसके बाद तैयार होके निकलते हैं। तो चाय तैयार है एंड आई विल हैव दिस एंड विद सम बिस्किट और समथिंग वट एवर विल बी अवेलेबल एंड उसके बाद मैं फिर फटाफट तैयार होती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। सो गाइस, मैं आपको अपने एक और फैमिली मेम्बर से मिलवाना चाहती हूँ। ये ग्रेटी है, शी इज़ 1 ईयर ओल्ड, ये मम्मी की चहेती है सी और मेरे साथ यहाँ नखरे कर दिए। हाय बोलू, हाय हाय गाइस। तो मैं रेडी हो गई हूँ, ये ऑरेंज टॉप एंड इसको मैंने ब्लू डेनिम के साथ पेयर किया है। अभी थोड़ी देर में, मतलब अभी टाइम है, चलो देखते हैं, लड़कियाँ इतनी जल्दी रेडी हो जाती हैं ये सोच रहे होंगे आप लोग, लेकिन मैं इतनी जल्दी रेडी हो जाती हूँ। इट टेक ओनली 5 to 10 मिनट्स टू गेट मी रेडी और अभी हम लोग थोड़ी देर में लाइक 8:30 या 8:45 तक मैं निकलूँगी यहाँ से, आपको साथ में लेके निकलूँगी। टॉल फूड रखा हुआ है बिकॉज यहाँ पे एक डेंजरस सा बिल्ला रहता है एंड अभी आगे चल के इसके बारे में मैं आपको बताऊँगी कि ये इतना डेंजरस क्यों है, किसी को भी काट सकता है। मैंने मेकअप भी कर दिया है इसलिए, और मैंने ना बाल स्ट्रेट किए हैं बिकॉज मेरे बहुत ज़्यादा कर्ल्स हैं और फ्रिजी भी हो रहे थे, तो मॉम ने कहा कि अच्छे नहीं लग रहे हैं तो तुम स्ट्रेट कर लो, लेकिन स्ट्रेट मैंने एकदम पहले ही कर लिए थे। अब अभी हम थोड़ी देर में निकलेंगे एंड फिर आपको साथ में लेके चलेंगे और दिखाएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। सो एक्साइटेड। तो गाइस, मैंने मेट्रो से ट्रैवल किया था बिकॉज अगर मैं कैब से जाती तो मेरा 350-400 अराउंड लगता और मेट्रो से मैंने आराम से 50-60 रुपीज़ में ट्रैवल कर लिया और बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था इसलिए मैंने वहाँ पर ऐसे बोलते हुए वीडियोज़ नहीं ली, ऐसे सिंपली शॉट्स निकाल दिए थे आप लोगों के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए। और ये देखिए IGI एयरपोर्ट मैं पहुंच गई स्लो मोशन में चलती हुई। हाय गाइस, सो आई एम एट एयरपोर्ट, मैं जा रही हूँ और मैंने चेक इन कर लिया है। सो बाय द वे आई एम गोइंग टू लखनऊ एंड मेरी फ्रेंड की वेडिंग है तो मैं उसे अटेंड करने के लिए जा रही हूँ। एयरपोर्ट पर चेक इन हो गया है एंड चेक इन कर लिया है, सिक्योरिटी भी क्रॉस कर ली है, अब हम अंदर चलेंगे और एक्सप्लोर करेंगे और कुछ खाएंगे सबसे पहले। वी आर हियर इन द फूड कोर्ट। जब तक मैंने ऑर्डर किया है मैं सोच रही हूँ तब तक आपसे बातें कर ली जाएँ। सो अच्छा है मैकडोनल्ड्स का, मुझे ना उतना मतलब अच्छा नहीं लग रहा व्यू यहाँ से, अच्छा लग रहा है इससे पहले जहाँ पे मैं बैठी थी ना मस्त आ रहा था वहाँ पे वीडियो। बट चलो कोई ना, आई एम गोइंग टू लखनऊ, शायद मैंने बता दिया ना, लेकिन चलो कोई नहीं मैं और बता देती हूँ। मैं लखनऊ जा रही हूँ, मेरी एक फ्रेंड है, बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, उनकी वेडिंग है आज शाम को ही है तो मैं वहाँ जा रही हूँ और कल तक मैं वापस आ जाऊँगी। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा लंबा ट्रिप नहीं होने वाला ये, बट इट इज़ ओनली फॉर 1 डे एंड बट मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे शेयर करूँ। तो लेट्स सी। तो गाइज, मैंने मैकडोनल्ड से चिकन नगेट्स ऑर्डर कर दिए थे एंड यू कैन सी हाउ मच आई एम एंजॉइंग व्हाइल हैविंग दीस नगेट्स। उसके बाद फिर मैं निकल गई थी फूड कोर्ट से, नीचे आ गई थी एंड उसके बाद हम चले अपने बोर्डिंग गेट की साइड।
ट्रैवल लेटर ही नहीं खत्म होता, बोरिंग गेट ही नहीं आने देता यार। गाइस हमने कैब बुक कर ली थी एयरपोर्ट से, एंड नाउ दिस इज आई एम एंटरिंग इन होटल। ओ मैं भागी भागी भागी, ओ ओ इतनी तेज तेज, नहीं 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 रुको रुको रुको, अरे होटल निकल जाएगा। वी आर इन अ होटल नाउ, वी डिडंट चेक इन दिस टाइम। लेट हो गया है एंड बहुत ज़्यादा रश था, सो मैं ज़्यादा वीडियोज़ नहीं ले पाई हूँ। सो जो मैंने लिया वीडियोज आई अपलोड फॉर श्योर, एंड दिस टाइम आई एम होटल, अभी चेक इन करना होगा एंड अभी मैं चेक इन करने के बाद आई विल गो इन माय रूम, देन आई टॉक टू यू। हाय गाइस, मैं फाइनली रूम में चेक इन कर चुकी हूँ एंड दिस इज़ माई वॉशरूम, and they have provide some kits as well, bathing kits, and this is my washroom, and chai pi lo guys, and this is my room। Achhi hai property, and this is me। So ab shaam ko hai shaadi and we will get ready for that in evening, and अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ guys, तो मैं अब rest करूँगी। So guys I have removed my makeup, बस ये mascara थोड़ा सा नहीं छूट रहा। You can see। So guys मैंने बिरयानी order की है यहाँ room में आके, आई वॉज सो टायर्ड बट बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो सोचा कुछ खाया जाए, तो मैंने बिरयानी ऑर्डर कर दी। ये लखनवी बिरयानी है एंड इसके साथ कर्ड, ये पापड़, ये आधा मैंने खा लिया एंड सैलड। हाय गाइस, मैं उठ गई हूँ, थोड़ी देर मैंने रेस्ट कर लिया एंड नाउ आई एम हैविंग माई कॉफ़ी, एंड अब हम थोड़ी देर में तैयार होंगे फॉर वेडिंग। So, फिर वहाँ जाएंगे एंड लेट्स सी खाना खाएंगे। एक्चुअली वी ऑल आर गोइंग फॉर खाना। गाइज मैं रेडी हो गई हूँ और ये मेरा आउटफिट है वेडिंग डे के लिए, एंड ये मेरा नहीं, मेरी मॉम का सूट है, ये मेरी सिस्टर की वेडिंग में मम्मी ने बनाया था और मैं अपने फ्रेंड की वेडिंग में पहन के जा रही हूँ इसे। एंड ये देखिए हमारा दूल्हा डांस करते हुए अपनी वेडिंग इन्जॉय करते हुए। फिर
हमने फैमिली के साथ थोड़ा डांस किया, एंजॉय किया और अंदर एंटर करते ही मैं सीधा अपने फेवरेट गोलगप्पे के काउंटर पर पहुँच गई। और यहाँ देखिए टिक्की बन रही है, बहुत टेस्टी थी। आगे आपको मेरा रिएक्शन दिख ही जाएगा। फिर हम लोगों ने डिनर किया, मैंने और मेरी सिस्टर ने मिलके, और कुछ फ्रेंड्स भी थी तो हमने डिनर किया। फिर मैं, मेरी सिस्टर और साथ में एक और फ्रेंड थी, तो हम लोग निकल गए और काफ़ी लेट हो गया था। हमने उन्हें भी ड्रॉप करा और हम फिर अपने होटल पहुंच गए। I'm back from wedding function and it was so so good. I'm very very tired right now, you can see I'm on my face. हाई गाइज, सो वेडिंग फंक्शन से आते आते मुझे काफ़ी लेट हो गया था एंड आई एम वेरी टायर्ड राइट नाउ। एंड इस व्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ, सेकेंड डे ऑफ लखनऊ, नेक्स्ट व्लॉग में आएगा। एंड आई होप यू लाइक इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, गुड नाइट।